महू में महू निमज रोड पर बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने अवैध रूप से गाय और बछड़े ले जाते एक आयशर वाहन को पकड़ा। उसे थाने लाया गया जहां पुलिस ने आवेदन के आधार पर आरोपियों के खिलाफ पशु क्रूरता में मुकदमा दर्ज किया। 7:30 बजे धारनाका में जो गोपेश्वर महादेव मंदिर है उसके सामने गाय की गाड़ी खड़ी हुई थी, उसमें कुछ गौवंश के चिल्लाने की आवाज़ आ रही थी। तो कुछ कार्यकर्ता वहाँ पहुँचे तो उन्होंने देखा कि इसके अंदर कुछ 10-12 दिन के बच्चे भी हैं, 7 कीड़े और कुछ गौवंश जो है वो 51 में भी हैं। तो उनसे पूछताछ करी तो वो उपयुक्त जवाब नहीं दे पाए हमें, जिसके बाद में थोड़ी भीड़ ने इन्हें घेर लिया, फिर कार्यकर्ताओं ने इन्हें पकड़ा और उसके बाद में इनको महू थाने लेकर आए हैं। और ये पहली घटना नहीं है कि हम महू थाने राजस्थान से आने वाली गाड़ियां कर्नाटक जाती हैं। ये एक रूट के तौर पर स्थापित हो गया ये एरिया कि जो गाड़ियां इस रूट पर जाती हैं, अब ये से ये गाड़ी है तो ये गाड़ी के अंदर अभी 4-5 जो व्यापारी हैं वो भी आए। तो उनका कहना ये था कि ये गाड़ी यहाँ पर रुकने वाली है, लेकिन इनका कहना ये है कि जो जिन लोगों को हमने पकड़ा है सद्दाम इन लोगों को, 3 लोगों को, उनका कहना ये पड़ रहा है कि ये गाड़ी कर्नाटक जा रही है, परंतु वो व्यापारी जो आए थे उनका कहना ये गाड़ी यहाँ खाली होगी मऊ में। तो इसमें एक स्थिति इस अस्पष्ट होती है कि या तो ये अवैध परिवहन है, क्योंकि गाड़ी अगर कर्नाटक जा रही है तो मऊ में कैसे खाली होगी, और अगर मऊ में खाली हो रही तो यहाँ से कौन सी गाड़ी तुम भर के लेके जाने वाले हो। एक ऐसा वाहन धारना का वहाँ से पकड़ के लाए थे विश्वेंद्र परिषद वाले, उसके अंदर 9 गाय है, 7 बछड़े हैं। तो उनके ला कर थाने खड़ी करी गाड़ी उन्होंने, उनके आधार पे उनकी रिपोर्ट में हमने कार्रवाई की है, गाड़ी जब्त की गई है। किन धाराओं में मुकदमा दर्ज हुआ सर? ये पशु अत्याचार निवारण अधिनियम। कहाँ से गाड़ी आ रही? ये गाड़ी पीतमपुर से आना बता रहा है, ये तो बाहर की गाड़ी बता रहे हैं, राजस्थान से। क्या नाम है सर आरोपी जो भी गाड़ी लेके जा रहे हैं? आरोपियों का नाम से देखेंगे तो ये मुस्तफ़ा है उसमें आरोपी एक, और सद्दाम है, और देवीलाल गुजर, ये 3 आरोपी उसमें। मुस्तफा गाड़ी चला रहा था उसमें, इनको तीनों को पकड़ के लाए हैं।